होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल चिकने होते हैं, कई संख ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर सूला जैसे निकले होते हैं। कैसे पता चले ये दक्षिणावर्ती संख है या वैसे है? तो जब आप पूरब की ओर मुख करके खड़े होंगे तो जिस शंख में, जैसे शंख ऐसे पकड़ा है आपने, तो जिस शंख का गड्ढा दक्षिण में आ रहा हो वो दक्षिणावर्ती है, जिस शंख का गड्ढा उत्तर में आ रहा हो वो सादा शंख है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, किंतु जिस शंख में सूला निकले होते हैं, नौके निकली होती हैं, उस शंख को घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं उसे क्लेश बढ़ता है। और जो नहीं बजने वाला शंख है उसको तो केवल और केवल अभिषेक के लिए शालिग्राम भगवान पर या लड्डू गोपाल जी पर जब आप जल का स्नान कराते हैं तब के लिए रखिए, बाकी एक बजाने वाला शंख जरूर रखिए। कहते हैं शंख बाजे और भूत भागे, घर में जब शंख की ध्वनि होती है तो जितनी भी नकारात्मक कोई शक्ति ऊर्जा होती है तो वो चली जाया करती है। अगर घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है और लगता है तुम्हें कि इस घर में कोई शक्ति है, कुछ कुछ तो भी हवा विचरण करती है और कैसे भी उसका निदान नहीं हो रहा है, तो दक्षिणावर्ती शंख या सादा शंख में जल भर के रात्रि को रखिए और भोर होकर स्नान ध्यान जब आप करें, पूजा पाठ जब करें, स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर, तो शंख में भरे हुए जल का पूरे घर में छींटा मार दीजिए। ऐसा करने से घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत ही घर को छोड़कर चले जाएगी। इसका आरंभ सोमवार के दिन से करें और इसकी पूर्णाहुति भी सोमवार के दिन ही करें। अगर कोई बालक बोलने में मतलब हकचाता है और उसकी वाणी स्पष्ट नहीं खुलती है तो उसको भी कहते हैं कि शंख में भरा हुआ पानी अगर गर्मी के दिनों में प्रतिदिन पिलाया जाए, रात्रि को भर के रखा जाए, जीने से कपड़ा से ढक दो ताकि मक्खी मच्छर ना गिरे, और सवेरे उस बालक को पिलाया जाए, तो कोई तुतलाता है या हकलाता है या बोलने में संकोची है उस बालक के लिए बहुत काम करता है, ऐसा भी कहा गया है। शंख में भरा हुआ जल महादेव की पिंडी पर मत चढ़ाइए, क्योंकि महादेव ने शंख चूड़ का उद्धार किया है। तुलसी का पत्ता भी महादेव की पिंडी के ऊपर मत चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी ने उस समय, जिस समय महादेव ने शंख चूड़ का उद्धार किया था, अपनी नाराजगी व्यक्त करी थी, इसीलिए वो पत्ते के रूप में महास्थापित करने के लिए जब शंख चूड़ को मारा था तब राधा रानी का स्मरण किया था, तब महादेव ने राधा रानी को पुकारा था, जिसे राधा कृपा कटाक्ष के नाम से जाना जाता है।